नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स पुरोहित चैनल में सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक फिजिक्स पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से फिजिक्स पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं, पेज नंबर 306, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फिगर शोज द कंडक्टिंग लूप प्लेस पैरेलल टू द पोल फेस ऑफ द रिंग मैग्नेट। द पोल फेस हैज एन एरिया 1 cm². Each and the field between the poles is 0.10 टेस्ला, 1/10 टेस्ला कह सकता हूँ। द वायर मेकिंग द लूप आर ऑल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेट इज रिमूविंग 1 सेकेंड What will be induced EMF in this loop? देखिए यहां पर वापस से वही वाली बात है, एरिया कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है। अच्छा, किसका एरिया गिवन है आप लोगों को चेक करो डायग्राम में, एरिया किसका गिवन है? पोल फेसेस का गिवन है या फिर टोटल रिंग का गिवन है? तो आपको कौन सा एरिया लेना होगा, पोल फेसेस का एरिया लेंगे या रिंग का एरिया लेंगे? भाई आप रिंग का एरिया लेने गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक दिक्कत क्या होगी, रिंग बड़ी है और पोल फेस छोटा है, चेक करो रिंग बड़ी और पोल फेस छोटा है, बराबर है? तो फील्ड कितना चेंज हो रहा है, पोल फेस से निकल रहा है। अच्छा चेक ये करना, फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स कौन है, रिंग है या पोल फेस है? पक्की बात। तो हमें एरिया कौन सा लेना चाहिए, जिस एरिया से फील्ड पास होता है या जिससे पास नहीं होता है? जिससे पास होता है, जिससे पास होता है वो फील्ड या एरिया लिया जाता है। तो E इक्वल टू याद करो A dB बाय dt। अच्छा शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड में था तो मैं कह सकता हूं B2 -B1/dt। तो मैं ये भी कह सकता हूं इक्वल टू माइनस ए। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई, पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, पहले किसके अंदर था, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये रिंग था, ये पोल फेस है, यहां से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, इस एरिया से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, बराबर। लाइन इससे पास हो रही है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो लाइन कहाँ से कहाँ निकलेगी, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। तो शुरुआत में फील्ड पास हो रहा था भाई, शुरुआत में फील्ड था B1, कितना था B1, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है B into A, कितना होता है B into A, A कांस्टेंट था, A बाहर निकाल लिया, शुरुआत का मैग्नेटिक फील्ड B1 बाद में आपने हटा लिया। अच्छा जैसे ही आपने लूप को हटाया तो आप क्या लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, जब आप लूप को हटा चुके हैं, जैसे नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था, पहले नॉर्थ और साउथ के बीच में था, अब आपने हटा दिया तो नॉर्थ और साउथ इसमें चेंज आया क्या, नॉर्थ और साउथ इसमें चेंज आया क्या, तो लाइंस में चेंज आया क्या? अच्छा लाइंस जो जा रही थी पहले, पहले भी उतनी लाइंस है और बाद में भी उतनी लाइंस है, पर किस में चेंज आया, फ्लक्स में। क्यों आया, क्योंकि आपने एरिया हटा दिया, और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एरिया, पासिंग थ्रू, व्हेन देयर इज नो एरिया देयर इज नो फ्लक्स, क्या कह सकता हूं, उस एरिया से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं आपके सामने दैट इज शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ली जाएगी दैट इज इक्वल टू 1/10 टेस्ला, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से कोई पास ही नहीं हो रहा है, तो E इक्वल टू बाद में जीरो हो गया, 1/10 है। डीटी कितना है आपके पास, 1 सेकेंड, माइनस माइनस प्लस, A/10, ए 1 cm² / 10। अच्छा 1 cm², तो 10^-4 + 4, 10^1, तो याद आता है 10^-5 वोल्ट, पहला आंसर आता है 10^-5 वोल्ट, चेक करो आंसर 10^-5 वोल्ट या 10
100 मिलीवोल्ट होगा, 10 माइक्रोवोल्ट हो सकता है, 100 मिलीवोल्ट हो सकता है, 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट हो सकता है,